फोर्थ जनरेशन हूँ मैं जो इस काम को देख रहा है। ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर आए थे, पर दादाजी मुल्तान से, पाकिस्तान से, तो ये वो रेसिपी लाए थे यहाँ पे। पहले साइकिल पे बेचते थे वो, फिर साइकिल से फिर दुकान पे आए, लोगों को पसंद आने लगा। उसके बाद फिर मेरे दादाजी साथ में जुड़े, उनके काम और बढ़ाया हमने। फिर मेरे फादर जुड़े, फिर उनके बाद, अब उनकी डेथ के बाद, फिर अब मैं देख रहा हूँ ये काम। 70 ईयर्स आज कंप्लीट हो गए हैं 2020 में। यहाँ से कचौड़ियाँ पैक करके हम पार्लियामेंट भी भेजते हैं, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में जाता है, वहाँ के लोग पसंद करते हैं, वहाँ के बहुत बंदे हैं जो वो हमारी कचौड़ी पसंद करते हैं, तो इस वजह से वो यहाँ से आते हैं और लेके जाते हैं, उन्हें पैक करके देते हैं। दोना लेते हैं प्लास्टिक का, उसमें मोठ होता है, उसमें चावल डलता है। मसाला हमारा स्पेशल है, जो खट्टा मसाला हम खुद बनाते हैं, उसमें 5-6 मसाले मिक्स होके बनता है, उसमें टेस्ट आता है खट्टापन, वो डलता है। प्याज, चटनी, बाकी सब चीज़ बॉइल्ड होती है, बस एक कचौड़ी होती है जो ऑयली होती है। वैसे तो फूड ये इतना ज़बरदस्त है, खाने में टेस्ट आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हेलो, आज मैं आई हूँ यहाँ पर मुल्तान मोठ भंडार पे, कम विद मी। तो फाइनली मोठ कचौड़ी यहाँ आ गई, फाइनली मैं बोलना सीख लिया है, मैं मोठ बोलती हूँ, मोठ कचौड़ी फाइनली यहाँ पर आ चुकी है। दिल्ली में बहुत तरह की कचौड़ियाँ मिलती हैं, राज कचौड़ी और आलू कचौड़ी, लेकिन मोठ कचौड़ी की बात कुछ और है। इसमें दाल की फिलिंग होती है और ये मूंग की दाल है। बहुत ज़बरदस्त कचौड़ी है यार, आप लोगों को ज़रूर यहाँ पर आकर ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम आप लोग कभी भी पाटगंज के आसपास हो, आपको दिल्ली का ऑथेंटिक खाना खाना है, आपको मन है कि ऑल्दो इसकी रूट्स जो है वो मुल्तान की है, लेकिन अभी ये दिल्ली का अपना खाना बन चुका है। बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी, बहुत टेस्टी है और बहुत डिफरेंट है। थम्स अप।